15,000 घूस लेते गोविंदपुर अंचल कार्यालय के क्लर्क गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। धनबाद का गोविंदपुर अंचल लगातार विवादों में रहा है। कभी सरकारी जमीन मोटेशन करने के मामले में तो कभी रैयत का जमीन किसी दूसरे के नाम करने में। गोविंदपुर अंचल कार्यालय में अजीबोगरीब घटनाएं हमेशा देखने को मिलती है। आज एंटी क्राइम ब्यूरो धनबाद की टीम ने अंचल कार्यालय के प्रधान कलर को 15,000 रुपये घूस लेते पकड़ा। साथ ही जांच के क्रम में उनके अलमीरा से लगभग 30,000 रुपये बरामद किए हैं। सुनिए जांच करने आए एसीबी के अधिकारी ने क्या कहा, इसके बाद आपको सुनाते हैं आम जनता की क्या है प्रतिक्रिया। ये सनातन हेम्ब्रम द्वारा आवेदन दिया गया था कि उन्होंने वो अपनी जमीन का लगान चुकाने के लिए आवेदन दिए थे, विगत 2 महीने पूर्व ही दिए थे और लगातार उनसे रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। उनकी करीब 28-30 एकड़ जमीन का लगान चुकाना था। 10,000 रुपये प्रति डिसमिल की दर से रिश्वत की मांग की गई थी कि प्रत्येक एकड़ 10,000 रुपये लगेगा, जिसकी मांग हेड क्लर्क के माध्यम से की जा रही थी। तो आज विधिवत उसका सत्यापन कराकर रंगे हाथ आज अंचल कार्यालय परिसर में ही 15,000 रिश्वत लेते हुए धनबाद अंचल कार्यालय के हेड क्लर्क प्रधान सहायक परमानंद प्रसाद की गिरफ्तारी की गई है। तलाशी के दौरान कुछ नकद भी बरामद हुआ है उनके कार्यालय से और आगे की प्रक्रिया अभी जारी है। कितने दिन पहले सर आवेदन दिया गया? आवेदन 2 दिन पहले दिया गया। अभी कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, केवल एक नाजिर उपस्थित थे। अभी बोल रहे थे कि जिस तरह अभी एसीबी के टीम आए हुए हैं यहाँ पर हमारे अंचल में, ये गोविंदपुर के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये भ्रष्टाचारी में लिप्त है एसीओ। आपने कहा कि आपने पहले भी शिकायत किया है, क्या शिकायत रही थी आपने? शिकायत यही रहती कि यहाँ पर आम जनता का काम ना के बराबर हो रहा है, सिर्फ भूमि माफियाओं का काम हो रहा है, आपका प्लॉटर का काम हो रहा है, समझ रहे। बच्चा जो परेशान है जाति आवासीय के लिए, गरीब जनता जो अपना खुद का जमीन मोटेशन में इसका इतना मांग डिमांड रहता है कि क्या बतावे। ये बहुत आज के बारे में क्या जानकारी है? आज के बारे में है जानकारी कि एसीबी वाले आए हुए हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जिसने भी दिया है एप्लीकेशन के हमसे पैसा मांगा है, घूस मांगा है, आज यहाँ लॉकर से पैसा निकल रहा है। जी बात ऐसी है कि मैं अपने बहन के डोमिसाइल के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। विगत 3 महीनों से कई बार यहाँ दौड़ चुका हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, सारा क्वालिफिकेशन यहीं का, तब भी डोमिसाइल नहीं बन रहा है। अब 15 से 20 दिनों के बाद वहाँ डोमिसाइल और ईडब्ल्यूएस दोनों का दरकार है। अगर वहाँ नहीं प्रस्तुत कर पाया हूँ तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, बी एच यू में एडमिशन नहीं होगा एलएलबी में। मैं खुद रजिस्टर्ड स्कॉलर हूँ आईएएम जम्मू में। मैं बहन का नहीं बना है, मेरा खुद 6 महीना मैं परेशान हुआ तब जाकर मेरा डोमिसाइल बना है। 6 महीना कम से कम 10 बार कम से कम रिजेक्ट हुआ है। अभी अभी भी आया तो सीओ सर से मुलाकात नहीं हो पा रही है और वीडियो साहब भी नहीं है। मेरा नाम सावन तलवार है, इस महीने में मैं 3री-4थी बार आ चुका हूँ। मैं बरवड्डा का रहने वाला हूँ। अपने आसपास से लेकर देश दुनिया की प्रमुख समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 69 भारत, हमेशा आपके साथ, सच के साथ, सच पर बात।